म्यूचुअल फंड भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? चल। पर कैसे और कौन सा? अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, पहली बार SIP कर रहे हैं, तो आपको कौन सा फंड लेना चाहिए, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, तो आइए आपकी फर्स्ट म्यूचुअल फंड की जर्नी पे चलते हैं। अगर आप एक पहला म्यूचुअल फंड लेंगे तो किस तरह लेंगे, आज उस सीन को थोड़ा सा रिक्रिएट किया जाए। अब ये देखिए कितनी सारी कैटेगरीज हैं, कितने सारे म्यूचुअल फंड हैं, इनमें से वो म्यूचुअल फंड कौन सा है जो हमें अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। पहले एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं कि ये सब है क्या। तो यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं वो डिवाइडेड है इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, फंड्स ऑफ फंड। अब इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। हमें क्या ध्यान रखना है कि ये हमारी कैसी इन्वेस्टमेंट है। कैसी से मेरा मतलब, अगर ये आपकी पहली इन्वेस्टमेंट है तो आपको कंप्लीट इक्विटी में कभी निवेश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पहला स्टेप ले रहे हैं। पहला स्टेप हमेशा थोड़ा फूंक के रखना चाहिए, हमेशा थोड़ा संभाल के रखना चाहिए। दूसरे तीसरे में हम अच्छे से एक्सपेरिमेंट करेंगे, डोंट वरी। तो अभी हमें एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो कि हमें पता है कि ये हमें एक अच्छा रिटर्न तो देगा, बट ये रिस्क में नहीं, ये बहुत ज़्यादा रिस्क में नहीं जा रहे हैं हम। तो वो समझने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इंडेक्स फंड सर्च करेंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इंडेक्स फंड क्या है। इंडेक्स फंड क्या होता है कि इस देश में जो भी मार्केट्स हैं, सेंसेक्स है, निफ्टी है, और भी छोटी छोटी है, बट हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं। अब सेंसेक्स और निफ्टी के बेस पे, सेंसेक्स क्या है? इंडिया की टॉप 30 कंपनीज, निफ्टी क्या है? इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। यही है बेसिक। तो इंडेक्स फंड इन्हीं टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि आप जो अपना पैसा लगा रहे हैं वो इंडेक्स फंड के थ्रू इंडिया की टॉप 30 या टॉप 50 कंपनीज में लग रहा है। आपकी कंट्री की इकोनॉमी दिखाने वाली टॉप कंपनीज में आपका पैसा लग रहा है। अगर देश में कंप्लीट कुछ खराब चल रहा है तो ये सारी कंपनीज एक साथ नीचे जाएंगी और तभी आपको लॉस देखने मिलेगा। लॉस इसमें भी होता है थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे, बट वो एक बहुत ही छोटे टाइम के लिए। अगर आपने इन्वेस्ट किया, आप एक महीने बाद देख रहे हो तो हो सकता है आपको लॉस दिखे, बट एक साल बाद देख रहे हैं तो आपको चांसेस नेग्लिजिबल हैं कि आपको उसमें लॉस दिखेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती रहती हैं, अपॉर्चुनिटीज चेंज होती रहती हैं, कंपनीज अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, नई नई चीज़ें लाते रहते हैं। तो ओवरऑल एक डेवलपिंग कंट्री का ग्रोथ ग्राफ हमेशा ऊपर ही देखने मिलता है, अनलेस एंड अंटिल उस कंट्री में कुछ बहुत ज़्यादा खराब ना चल रहा हो। तो इंडेक्स फंड क्या करेगा कि इंडेक्स फंड उन्हीं टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर देगा। अब आपका पैसा इंडिया के टॉप कंपनीज में लगा हुआ है तो आप रिलैक्स हो सकते हैं, आप उसमें SIP क्रिएट कर सकते हैं, आप उसमें एक बार में पैसा डाल सकते हैं, दोनों तरह से आप उसमें निवेश कर सकते हैं। अब आपने अपना पहला फंड चूज कर लिया, यहाँ पे आपने इंडेक्स फंड सर्च किया, इंडेक्स फंड की लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो हम एक चीज देख पाते हैं कि एक ही कंपनी के दो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, मोस्टली कंपनीज के दो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है ग्रोथ प्लान, एक है ICDW। तो इन दोनों में से हमें कौन सा चूज करना चाहिए, हम टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। ICDW का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कैसे काम करता है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमें किस में निवेश करना है, हमें ग्रोथ प्लान लेना है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ प्लान आपको आपके म्यूचुअल फंड में जितनी भी कंपनीज इन्वेस्टेड हैं उन सबकी ग्रोथ के साथ आपको बढ़ा के लेके जाएगा। अगर आपकी म्यूचुअल फंड में 30 कंपनियां हैं, उन 30 कंपनियों की ग्रोथ जब होगी तो आपका पैसा उसके साथ ग्रो करेगा। ICDW में एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। तो अब पता चल चुका कि हमारा जो पहला म्यूचुअल फंड होगा वो एक इंडेक्स फंड होगा, उसका ग्रोथ प्लान होगा, पर इतनी कंपनीज में से हमारी कंपनी कौन सी होगी जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, इसको समझते हैं। हम अब अलग अलग कंपनीज को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले कंपेयर करने का तरीका क्या होता है, AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये ज्यादा टेक्निकल होकर नहीं समझाना चाहता, बट इतना समझिए कि ये टोटल पैसा है जो उस म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है। सो ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया यार कि जहां पे भीड़ जा रही है वहां पे हम भी चलते हैं, भीड़ जा रही है कुछ सोच के जा रही होगी तो वहां पे हम चलते हैं, इसलिए हम AUM ज्यादा की तरफ जाते हैं। तो यहां पे फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर के ऑप्शन में आप AUM से सॉर्टिंग कर लीजिए कि सबसे ज्यादा AUM वाले सबसे टॉप पे आ जाए। अब ये जो टॉप की दो तीन कंपनियां हैं इन्हीं में से आपको अपना फंड चूज करना है। कैसे चूज करेंगे, आप इनका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड देखेंगे। ये क्या होते हैं हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आई बटन पे मैं वो वीडियो दे दूंगा, आप चाहें तो उसको देख के समझ सकते हैं। जिसका एग्जिट लोड फ्लेक्सिबल होगा, जो हमें थोड़ी छूट देगा पैसे निकालने के लिए, और एक्सपेंस रेशियो कम होगा, जो कम पैसे चार्ज कर रहा होगा हमसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए, हम उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे। ग्रोथ पे मैं सेकेंडरी फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे इंडेक्स फंड हैं, ये सारे एक ही जगह पे पैसा लगा रहे हैं, सो रिटर्न्स इनके ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे सबके।
आपको सिर्फ अपना पैसा देखना है कि आप कहाँ बचा पा रहे हो, क्योंकि ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम ही देंगे सारे, बस एसेट एलोकेशन अलग होगी। एसेट एलोकेशन का मतलब कि किस कंपनी में उन्होंने कितना पैसा डाला है, उससे बहुत ही थोड़ा डिफरेंस जरूर देखने मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इन सभी में। अब बस हमने फंड चूज कर लिया, अगर आपके पास बहुत पैसा है उसको एक बार में इन्वेस्ट करना है तो आप क्लिक करके इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है तो SIP पे क्लिक करिए, टर्म चूज करिए, डेट चूज करिए और क्रिएट SIP करके अपना एक बैंक मैंडेट सेटअप कर दीजिए ताकि वो ऑटोमेटिक निकल जाए। बैंक मैंडेट के लिए आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप समझ सकते हैं कि कैसे सेटअप किया जाता है। तो यार इतना था इस वाली वीडियो के लिए, आई होप मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर पाया होगा, आई होप आपका कुछ दिमाग खुला होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने मिली होंगी, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो कंसिडर करिएगा सब्सक्राइब करना, लाइक बटन दबाना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अब एक नई वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट समझने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए फाइनेंस की दुनिया में, और हम फाइनेंस से रिलेटेड सब कुछ ही समझने वाले हैं, सब कुछ मतलब सब कुछ। थैंक यू।